सबसे पहले मैं एक डेटा बना लेता हूँ। सेल्स एंड बिटवीन है, तो ये आ गया आपके पास डेटा। अब इसमें से ठीक है, तो सम इफ क्या होता है, जब हमें सम करना है किसी कंडीशन के बेस पे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। अब अगर आपकी रेंज वही है जिसमें आप सम कर रहे हैं, क्राइटेरिया लगा रहे हैं और उसी का सम करना है, तो ये सम रेंज की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऑप्शनल में है। ठीक है, तो सबसे पहली रेंज ये है मेरी नेम वाली, और इसमें मेरा जो कॉमा लगा के क्राइटेरिया क्या है वो ये है। तो इसमें मैं और सम रेंज में मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों इन सब की इंडिविजुअल सेल्स आ गई। ठीक है, मान लो अब मुझे पता करना है कि ग्रेटर देन 50 वाले कितने हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो क्राइटेरिया है, या सिटी फरीदाबाद किसकी है, दो क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सम इफ्स यूज़ करूँगा, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है। अब इसमें क्या है कि इसमें कहता है आपको सम रेंज आप पहले दे दो, बाकी क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया बाद में देते रहना। ठीक है, तो पहले मैंने दे दिया सम रेंज को। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया मेरा क्या है, नेम ही है एक। ठीक है, ये रहा क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू मेरी सेल्स वाली है, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं सिटी वाली है, सिटी वाली है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सिटी जो है वो ये हो। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया लगा दी, तो फरीदाबाद सिटी में इनकी सेल्स इतनी। ठीक है, एक और क्राइटेरिया लगा देता हूँ ग्रेटर देन 50, कि जिसकी ग्रेटर देन 50 हो। सम इफ्स, या सम इफ में भी डाल सकते हैं, खाली मैं क्या करता हूँ ग्रेटर देन 50 वाली सेल खाली निकाल कर देखा, वो सम इफ्स में भी चलेगा, सम इफ में भी चलेगा। जैसे आपकी ये हो गई रेंज, और क्राइटेरिया मैंने दे दिया ग्रेटर देन 50। इसको डायरेक्ट लिंक से भी दे सकते हो, या फिर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 50 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल सम करके बता दो कि ग्रेटर देन 50 वाला टोटल ये है। ठीक है, ये क्राइटेरिया। दूसरा जो हमने स्टार और वो वाले करेक्टर देखे थे, स्टार क्वेश्चन मार्क, वो भी चलते हैं इसमें, कि सम इफ रेंज ये रहेगी, और मैंने इसमें क्राइटेरिया दे दिया कि जो एस से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, उनकी सेल्स कितनी है। ठीक है, अभी उतनी आ रही है, एक और बढ़ा देता हूँ। सुधीर यहाँ अलग आ गई है ना, दोनों अलग हो गई, 4427 4513। ठीक है, तो ये स्टार क्वेश्चन मार्क इसमें भी चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं काउंट इफ पे, इन्हीं सब कंडीशंस के साथ हमारा काउंट भी चल जाता है। काउंट इफ इसको ही नीचे कर लेते हैं, काउंट इफ और काउंट इफ से। सबसे पहले काउंट बता देता हूँ। काउंट, जब भी आप काउंट करते हैं,
मतलब कितने आपके इसमें सेल्स में वैल्यूज़ है, बोल रहा है 356, पर ये 356 बता रहा है नंबर्स के लिए खाली, ठीक है। अगर काउंट ए करूं तो नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों आते हैं 357, ठीक है। जो आप इधर से आपके पास ये काउंट आता है 357, वो काउंट ए होता है एक्चुअल, ठीक है। तो काउंट का फॉर्मूला सेम नहीं करता है, काउंट ए लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद इस रेंज में ब्लैंक कितने, काउंट ब्लैंक, तो खाली सेल आपको बता देगा कितनी है, ठीक है। काउंट ब्लैंक, काउंट इफ क्राइटेरिया बेस पे, नीचे फुल रेंज ली है ना मैंने, है ना। काउंट इफ, तो जैसे हम पिवट टेबल में समराइज करते हैं ना, वैसे ही इनसे भी किया जा सकता है, काउंट सम एवरेज, तो उनके साथ इफ लगा हुआ है। तो काउंट इफ में क्या है, रेंज ऑफ क्राइटेरिया, सम तो है नहीं क्योंकि सम करेंगे ही नहीं, तो रेंज ये हो गई, प्लस में हो गया हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। काउंट करके बता देगा टोटल वैल्यू कितनी, ठीक है। इसमें बता देगा काउंट टिप्स, मल्टीपल कंडीशन है जब, तो आपको क्राइटेरिया रेंज देनी है, क्राइटेरिया देना है, उसके बाद क्राइटेरिया सेल्स वाला और ग्रेटर देन 50 यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने दोनों क्राइटेरिया ले लिए, ठीक है। सेल्स में ग्रेटर देन 50, अच्छा सिटी वाला नहीं लगाया, सिटी वाला भी लगा देते हैं, ये सिटी हो गई और इसमें सिटी फिक्स कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू ये, ठीक है। इसी तरह एवरेज, एवरेज इफ भी है, हाँ इस मंथ में सेल कितनी हुई है, तो आप पर्टिकुलर बदले हैं, पर्टिकुलर बदले ने, जैसे संदीप ने मंथ में कितनी सेल, तो जुलाई वो वैसे नहीं आएगा, मैं बताऊँ इसमें ना, अब मान लो कि पर्टिकुलर मंथ का तो ऑप्शन होता नहीं इसमें, पूरा उसका होता है रेंज का होता, तो बड़ा फार्मूला लगेगा, वो एरे फार्मूला में आएगा, जिसमें मैं आपको एक मंथ की निकालने सिखाऊंगा, ईयर टू डेट निकालनी है वो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी उसमें क्या करना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ पे एक कॉलम में ये लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक मंथ में वो लगाना पड़ेगा कि जैसे एंड का फॉर्मूला, पहला कंडीशन क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मैं ले लेता हूँ ए, ग्रेटर देन इक्वल टू एक जनवरी, तो डेट हम इसमें डायरेक्ट एंटर कर नहीं सकते, ठीक है। पहले ये देखें डेट लेता कैसे है, फॉर्मूला में ऐसे लेगा क्या, ट्राई कर रहा हूँ, नहीं लेगा, क्योंकि इस तरह से तो ये टेक्स्ट में ले लेता है, कहीं लिखी होनी चाहिए टेक्स्ट में, फिर इसमें आप प्लस नहीं कर सकते, प्लस हो रहा है पर ये कैलकुलेट करेगा नहीं यार। हाँ इसके लिए आपके पास फार्मूला है, जैसे आपके पास टेक्स्ट में डेट होती है ना, तो उसके लिए डेट वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें कोई भी डेट टेक्स्ट दोगे तो एक्चुअल डेट में कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। तो डेट डायरेक्ट वैसे दे सकते हैं, तो अभी मैं इफ के अंदर लगा देता हूँ
कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू डेट वैल्यू 1 जनवरी 15 से, ठीक है, 1 जनवरी 15 और लेस देन इक्वल टू, यहाँ एंड का फॉर्मूला लगेगा, सॉरी एंड का फॉर्मूला लगेगा, दो कंडीशन है करके, ठीक है, बिटवीन वाली कंडीशन आती है ना, तो वो ऐसे आती है एंड के अंदर, अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू डेट वैल्यू 31 जनवरी, तो जनवरी मंथ का आ जाएगा आपका ट्रू फॉल्स में, तो जहाँ ट्रू होगा देखते हैं ट्रू है कहीं, ट्रू है तो ये डेट है आपकी, ठीक है। अब इसके आगे जो फार्मूला लगेगा, क्या चीज़, अगर ट्रू है तो यहाँ की वैल्यू इधर आ जाएगी, अदरवाइज जीरो, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ सम, तो ये आ रहा है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, ठीक है। अब इसको एक करना हो तो मैं यहाँ एंड से कॉपी करूँगा और यहाँ डाल दूँगा इसमें E2 में, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो कुछ इस तरह से होता है आपका इस, पर ये जब मल्टीपल सेल में कर रहे हैं ये मैं उसमें शॉर्ट करने का तरीका आपको एरे में बताऊं, जिससे एक फॉर्मूला में काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐसे पॉसिबल नहीं है, इनके लिए स्पेशल फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्लियर है, चलो ठीक है।